Hey guys, welcome to Burning Wheels. My name is Saket. Tata Nexon बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है टाटा के लिए और बहुत ही ज्यादा लोग टाटा नेक्सॉन को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की फेवरेट है टाटा नेक्सॉन। तो गाइस बहुत सारे नेक्सॉन लवर्स अभी भी रुके हुए हैं फेस लिफ्ट के लिए और वो ये चाहते हैं कि फेस लिफ्ट ही वो खरीदे। तो गाइस क्या क्या चेंजेस हमें मिलने वाले हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं और कितनी प्राइस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको DCT मिलने वाला है नेक्सॉन में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जो AMT में जो परफॉर्मेंस के इश्यूज होते थे, लाइक वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था और जर्क्स आते थे जो गियर चेंजेस है उसमें, तो वो सारे आपको DCT में सॉल्व मिलने वाले। तो गाइस परफॉर्मेंस तो अपग्रेड होने वाला है, लेकिन बात यह है कि प्राइस कितना अपग्रेड होगा ये सबसे। क्या प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगा 2 या 3 लाख रुपए? तो कितना अराउंड प्राइस हाइक हो सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एक्सटीरियर है उसके चेंजेस की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सामने से। तो सामने की तरफ से आपको जो LED लाइट्स का सेटअप है वो काफ़ी चेंज मिलने वाला है और जो पूरा डिज़ाइन है वो अभी तक तो रिवील नहीं हुआ है, बट जो रेंडर्स हमारे पास बन के आ रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस टाटा कर्व का जो कॉन्सेप्ट है उससे काफी इंस्पायर्ड लग रहे हैं ये जो डिजाइन है। तो जो पीछे के लाइट्स है वो आपको कनेक्टेड LED लाइट्स मिल सकते हैं। एंड देन आती है बात जो एलॉय व्हील्स है उसकी। तो एलॉय व्हील्स तो गाइस डिजाइन चेंज होना ही है बिकॉज फेसलिफ्ट में डिजाइन चेंज होता ही है। तो ये जो फोटोज हमारे पास आई है उसमें देख सकते हो कि एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी चेंज है और काफी फैंसी सा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है डिजाइन आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में सबसे बड़ा जो चेंज है वो आपको मिलने वाला है स्टेयरिंग में। आपको जो 3 स्पोक का जो स्टेयरिंग व्हील आता था पहले वो आपको अभी 2 स्पोक का होने वाला है। 2 स्पोक का फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील कंपनी ऑफर करेगी। काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है ये और जो बीच का टाटा का लोगो है वो भी ग्लोइंग मिल सकता है। और बहुत सारी जो एम्बियंट लाइटिंग है वो यूज होने वाली है इसमें। जो सेंटर कंसोल है उसका भी डिजाइन बहुत चेंज होने वाला है। तो गाइस ये जो पेटेंट है टाटा का लीक हुआ था, इसमें आप देख सकते हो कि क्लाइमेट कंट्रोल की कैसे बटन्स आपको मिलने वाले हैं और मैं बोलना चाहूंगा ये काफी अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बाद हम आते हैं जो टच स्क्रीन है उसके बारे में। तो गाइस जो टच स्क्रीन है टाटा नेक्सॉन की वो काफी टाइम से चली आ रही थी, तो उसको भी एक अपग्रेड मिलने वाला है। और वो जो नई टच स्क्रीन होने वाली है वो आपको 10.25 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन मिलने वाली है, जो अभी आपको हैरियर में मिलती है और आपको वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल जोन AC या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो गाइस आप बात करते हैं कि इसमें जो इंजन है वो कौन सा होने वाला है। तो गाइस जो पेट्रोल इंजन है टाटा नेक्सॉन का वो अपग्रेड होने वाला है। जो नया इंजन है वो है 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल, बट उसकी पावर हाइक होने वाली है। जो रेवट्रॉन इंजन पहले था वही है, बट उसकी जो पावर फिगर्स है और एफिशिएंसी वो काफी इंप्रूव होने वाली है। तो नई जो पावर फिगर्स है वो 123 PS है, जो पहले थे 120 PS। और जो टॉर्क है उसमें काफी ज्यादा कंपनी ने इम्प्रूवमेंट किया है। पहले 170 Nm था फॉर द पेट्रोल नेक्सॉन एंड अब जो होने वाला है वो है 225 Nm, जो कि बहुत ज्यादा बम्प है। आपको काफी टॉर्की इंजन लगने वाला है नेक्सॉन का। तो XUV300 से काफी अभी हेड टू हेड कॉम्पिटिशन होगा नेक्सॉन का। तो गाइस अब बात करते हैं गियर बॉक्स की। तो बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स रहती थी कि नेक्सॉन बस AMT के साथ आती है, उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देती है ऑटोमेटिक में। तो अब वो समय खत्म हो चुका है और DCT आ चुका है। जो DCT है पहले देखने मिला था अल्ट्रॉस में और जो प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा नेक्सॉन की कितनी ज्यादा हाइक हो सकती है। तो अब की अगर बात करें तो आप XM वेरिएंट लेना चाहो टाटा नेक्सॉन का मैनुअल में और टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट लेना चाहो AMT में, तो जो उसमें प्राइस डिफरेंस है वो है लगभग 60,000 का। और जो DCT की बात करें तो टाटा अल्ट्रॉस में जो प्राइस डिफरेंस है वो है 1,10,000 रुपए का। यस गाइस, तो 1,10,000 रुपए आपको ज्यादा भरने पड़ते हैं DCT के लिए। तो आपको टाटा नेक्सॉन जो फेसलिफ्ट आने वाली है उसमें भी ये जो चेंज है वो उतना ही मिल सकता है या फिर उससे थोड़ा 19-20 हो सकता है, कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही। जो मैनुअल वर्जन है और जो DCT वर्जन है उसमें जो डिफरेंस है वो 1,10,000 या 1,30,000 तक जा सकते हैं। जो प्राइसिंग है टाटा नेक्सॉन की जो एक्सपेक्टेड है वो है 8.5 लाख रुपीज टू 15 लाख रुपीज एक्स शोरूम। प्राइसिंग भी बढ़ने वाली है लगभग 1 लाख से, और अगर आपको DCT गियर बॉक्स चाहिए तो उसमें और भी ज्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। These were the features which were seen in the pictures and the videos which were leaked. Guys, if you like this video, if you found this helpful, then do like this video and do subscribe to my channel for more such videos. And thanks for watching.